नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, पोस्ट ऑफिस की नई अपडेट जितनी जल्दी हो सके मैं आप सभी तक लाता हूं, ताकि आप पोस्ट ऑफिस के नई अपडेट से हमेशा अपडेट होते रहें। तो दोस्तों आज की नई अपडेट है पोस्ट ऑफिस की एटीएम से संबंधित। दोस्तों यदि आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है और वो पोस्ट ऑफिस गाँव में है, ग्रामीण डाकघर है, और उस ग्रामीण डाकघर में आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब आप भी पोस्ट ऑफिस की एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और चेकबुक का उपयोग कर सकेंगे। एटीएम की सुविधा पहले उपडाकघर और हेड ऑफिस तक ही सीमित थी, लेकिन दोस्तों सरकार की पहल से 1 अगस्त 2021 के बाद अब पोस्ट ऑफिस की एटीएम की सुविधा ग्रामीण डाकघरों में भी उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं आप एटीएम को अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों एटीएम को अप्लाई करने के लिए आपको एटीएम वन फॉर्म को भरना होगा। एटीएम वन फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, इसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे देखकर सीख सकते हैं। जब आप अच्छी तरह से इस फॉर्म को भर देंगे तो अपने पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, ब्रांच पोस्ट मास्टर को इस फॉर्म को आप सौंप देंगे। जब आप ब्रांच पोस्ट मास्टर को इस फॉर्म को जमा करेंगे तो आपको उनके द्वारा एक रसीद मिलेगी, उस रसीद को आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर इस फॉर्म को उप डाकघर भेज देंगे एटीएम इशू के लिए। उप डाकघर द्वारा जब एटीएम इशू होकर ब्रांच पोस्ट ऑफिस में आएगा, तभी आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर के द्वारा आपको बुलाया जाएगा पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जाने से पहले आप उस रसीद को ले आना ना भूलेंगे, उस रसीद को देने के बाद आपको एटीएम दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यह बहुत अच्छी खबर है गांव के पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के खाता धारकों के लिए। तो दोस्तों इस तरह की नई अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों में शेयर करेंगे तो उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल पाएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए अपडेट्स के साथ। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।